नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल SB मेडिसिन में। आज अपन बात करने वाले हैं वार्फ 5mg टेबलेट के बारे में। वार्फ 5mg टेबलेट को मशहूर कंपनी सिप्ला कंपनी बनाती है, जिसकी जो प्राइस है वो है 87.69 रुपए पर स्ट्रिप। ये 30 टेबलेट की स्ट्रिप में होती है, जिसमें जो कंटेंट डाला गया है वो है वारफेरिन सोडियम 5mg। इसका यूज आप स्पेशल डॉक्टर की सलाह से करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये टेबलेट आपको डॉक्टर के प्रिस्क्राइब पे सभी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। वार्फ 5mg टेबलेट एक एंटी कोगुलेंट दवा है, जिसे खून के थक्के जमने की समस्या में यूज किया जाता है। साथ ही आपको DVT यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस की समस्याएं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म की समस्याएं और आपको हार्ट अटैक या स्ट्रोक की समस्याएं, तब भी ऐसे में इसका यूज आपके लिए काफी अच्छा है, काफी इफेक्टिव है। ये टेबलेट आपके शरीर में ऐसे पदार्थ को रोकते हैं जो खून के थक्के जमने की वजह बनता है। हालांकि ये ब्लड के उन क्लॉट को नहीं तोड़ पाते हैं जो बन चुके हैं, पर जो बन गए हैं उनको बड़ा होने से रोकते हैं। ये ब्लड के क्लॉट्स आपकी बॉडी में कहीं भी हो सकते हैं, जैसे कि आपके पैरों में, आपके फेफड़ों में, आपके ब्रेन में और आपके हार्ट में। तो ऐसे में ये टेबलेट जो ब्लड क्लॉटिंग है उनको रोकने में काफी इफेक्टिव है। अब जान लेते हैं या फिर बात करते हैं कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या है। तो जब ब्लड का क्लॉट आपके फेफड़ों की आर्टरीज में किसी, मतलब जो भी आपकी ब्लड की आर्टरीज हैं उनमें से किसी एक को ब्लॉक कर देता है और सही से ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता है, तो इस कंडीशन को पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहा जाता है। जब शरीर के किसी दूसरे हिस्से में एक क्लॉट, जैसे हाथ या पैरों के जो अंदर जो ब्लड फ्लो होता है उससे होकर फेफड़ों की जो ब्लड वेसल है उसमें जमा हो जाता है, तो इस थक्के को एम्बोलस के रूप में जाना जाता है। एम्बोलिज्म में क्या होता है कि फेफड़ों में ब्लड के जो ब्लड का जो फ्लो है वो ब्लॉक कर देता है ये, और फेफड़ों में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, जिसका तुरंत इलाज करना काफी जरूरी होता है। अब जानते हैं DVT के बारे में। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें शरीर में कहीं भी किसी भी नस के अंदर ब्लड का क्लॉट बन जाता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस ज्यादातर निचले पैर या जांग में होता है, हालांकि ये कभी कभी शरीर के दूसरे पार्ट में भी हो सकता है। ब्लड का क्लॉट जमा हुआ ब्लड है जो कि खून के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है। ये ऑपरेटिंग जो प्रोसेस है उसमें प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है। इसके जोखिम होने का जो कारण है वो है कम चलना फिरना, हार्मोन्स थेरेपी या फिर प्रेगनेंसी टेस्ट आदि इसमें शामिल होते हैं। इस प्रॉब्लम की वजह से आपकी टांगों में दर्द रहना, सूजन हो सकते हैं और जो आपकी जो दर्द वाली जगह है उसकी नस के आसपास, मतलब जो जगह है वो गर्म होना, छूने पर उसमें दर्द होना जैसे लक्षण आपको नजर आ सकते हैं। तो ऐसे में ये टेबलेट नए क्लॉट बनने से रोकते हैं और आपकी बॉडी में फ्री ब्लड फ्लो करने में हेल्प करती है। बात कर लेते हैं इसके सावधानियों के बारे में। तो अगर आप कोई भी विटामिन के की दवाई ले रहे हैं, आपको लीवर या किडनी डिजीज है, या फिर आप प्रेग्नेंट लेडी या ब्रेस्ट मदर हैं, तो ऐसी सभी कंडीशंस में इसका यूज करने से पहले आपकी जो भी कंडीशंस हैं वो डॉक्टर्स को जरूर बताएं। डोज की अपन बात करें तो इसे नॉर्मली एक दिन में एक टेबलेट आपको लेने की कहा जाता है। अलग अलग मरीज और उनकी कंडीशंस के अनुसार डॉक्टर्स इसका डोज चेंज कर सकते हैं। बात करें इसके होने वाले साइड इफेक्ट के बारे में, तो जो कामों से आप नजर आ सकते हैं, जो उसमें क्या है कि इस टेबलेट का जो मेन वर्क को क्या होता है कि वो खून को पतला करना है। तो इससे जो नॉर्मल, सबसे नॉर्मल आपको साइड इफेक्ट नजर आ सकता है वो है ब्लीडिंग होने का खतरा इसमें सबसे ज्यादा रहता है। हो सकता है आपको इनके अलावा कोई भी अदर कंडीशन क्रिएट हो या फिर ये साइड इफेक्ट लंबे तक बने रहता है, तब ऐसे में आप इसका यूज बंद करके तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।